हेलो दोस्तों, आप भी अगर अपने सैमसंग के मोबाइल के कीबोर्ड में अपनी फ़ोटो को लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोस्तों आपने बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना है। आप भी दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद इस कीबोर्ड में अपनी फ़ोटो को सेट कर पाएंगे। इसके लिए दोस्तों सिंपली आपने अपनी मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। चाहे दोस्तों आप सैमसंग का कोई भी मोबाइल यूज़ करते हैं, सबसे पहले आपने नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाती है जनरल मैनेजमेंट। इस वाली सेटिंग्स में दोस्तों आपने क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाती है कीबोर्ड लिस्ट एंड डिफॉल्ट। इस वाली ऑप्शन में दोस्तों आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगी जी बोर्ड। ये सेटिंग दोस्तों अगर आपके मोबाइल में नहीं देखने को मिल रही तो इसके लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जो कि बहुत ही छोटा सा एप्लीकेशन है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद यहां पर दोस्तों आप सभी के मोबाइल में ये ऑप्शन देखने को मिल जाती है। अगर पहले से ही दोस्तों आपके मोबाइल में ये ऑप्शन है तो सिंपली आपने इसको अनेबल कर देना है। इसके बाद दोस्तों ऊपर आपको पहले नंबर पर डिफॉल्ट कीबोर्ड की ऑप्शन देखने को मिल रही है, इसमें आपने क्लिक करना और यहां पर जी बोर्ड की जो सेटिंग है इसको सेट कर देना है। बिल्कुल ध्यान से दोस्तों आपने इन सभी सेटिंग्स को करते जाना है। इसके बाद दोस्तों आपने यहां से बैक आना और यहां पर ऊपर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगी जी बोर्ड सेटिंग्स, इसमें दोस्तों आपने अब क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तीसरे नंबर पर थीम की ऑप्शन देखने को मिल रही है, थीम में दोस्तों आपने क्लिक करना है। थीम में क्लिक करने के बाद यहां पर पहले नंबर पर आपको प्लस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसमें आपने क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपने अपने मोबाइल की गैलरी से एक फोटो को सेट करना है, जो दोस्तों आपके मोबाइल में एक फोटो है, अपनी फोटो को जिसको लगाना चाहते हैं उसको इस तरह से दोस्तों एक फोटो को इस तरह से आपने ले लेना है। मैं इसी तरह से दोस्तों आपको समझाने के लिए एक फोटो को लिया हूं। इसी तरह से आप भी अपनी मनपसंद की फोटो को दोस्तों यहां पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट पर आपने क्लिक कर देना है। इस तरह से आपने उसको एडजस्ट कर लेना फोटो को, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगर दोस्तों अभी यहां पर आपको अपनी फोटो यहां पर बैक में नहीं देखने को मिल रही तो यहां पर ब्राइटनेस को आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे यहां पर मैं आपको कर दिखा रहा हूं। सेम इसी तरह से दोस्तों अब आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में अब फोटो देखने को मिल रही है। तो आप भी दोस्तों इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं, अच्छे से आप इसको एडजस्ट करना है। इसके बाद दोस्तों डन पर आपने क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहां पर अप्लाई के नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, अप्लाई पर अब आपने क्लिक करना और अब दोस्तों आपके मोबाइल में ये सेटिंग्स प्रॉपर हो चुकी है। अब मैं आपको चेक करवाता हूं हमारा जो यहां पर कीबोर्ड है उसमें अब ये फोटो देखने को मिल रही है कि नहीं। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लैंग्वेज की ऑप्शन आ चुकी है। हम दोस्तों यहां पर नो थैंक्स पर क्लिक कर यहां पर अपने कीबोर्ड को सेट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं नीचे कीबोर्ड में आपको फोटो भी देखने को मिल रही है। सिंपली इसी तरह से आपने कुछ तीन या चार सेटिंग्स को फॉलो करना है, इसके बाद आपके मोबाइल में ये कीबोर्ड सेट हो जाएगा और आपके मोबाइल में दोस्तों बैकग्राउंड में इस तरह से फोटो देखने में कितनी अमेजिंग लगेगी आप खुद सोच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये सैमसंग की सेटिंग्स आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना और सैमसंग के जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना।